पास जो है वो सर्वाइकल वर्टिब्राज हैं सारे, C1 है ये, ये C2 है, ये वाला C3 से लेकर C6 तक इस तरह के होते हैं, और ये C7 है। C1, C2 और C7 जो है वो एटिपिकल होते हैं, यानी डिफरेंट होते हैं सबसे, और C3 से लेकर 6 तक जो है वो इसी तरह के टिपिकल वर्टिब्रा होते हैं। सबसे पहले हम C1 को देख लेते हैं। C1 में ये वाला जो है, ये दो जो है वो सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स हैं, जो कि ऊपर जो है वो एटलांटो ऑक्सीपिटल जो हमारे पास हेड होता है स्कल, उसके ऑक्सीपिट के साथ जो है वो एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बनाते हैं, जिसके ऊपर जो है वो यस वाली मूवमेंट होती है। यहाँ पे ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं, जिसके अंदर ट्रांसवर्स फॉरमिनास है, यह एंटीरियर ट्यूबर्कल है, ये वाला जो है वो पोस्टीरियर ट्यूबर्कल है, ये पोस्टीरियर आर्चेस हैं, और ये वाली जो है वो इंटीरियर आर्चेस हैं। यहाँ पीछे जो है वो इंफीरियर आर्टिकुलर जो है वो प्रोसेसेस हैं, ये हमारे जो C2 वर्टिब्रा है इसके साथ इस तरह जो है वो जॉइन करते हैं, इसके सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स इसके इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स के साथ इस तरह जॉइन करते हैं, और ये जो हमारा C2 के ऊपर इसकी बॉडी होती है, पेग लाइक बॉडी होती है, जिसको हम कहते हैं ओडोन्टोइड या डेंस कहते हैं। तो ये अपने से ऊपर वाले C1 वर्टिब्रा के साथ इस तरह जॉइन करती है, और यहाँ पर एटलांटो एक्सियल जॉइंट बनता है, जिसके ऊपर जो है वो नो वाली मूवमेंट होती है। यहाँ पे एक लिगामेंट लगा हुआ है ट्रांसवर्स लिगामेंट, जो कि इस वर्टिब्रल फोरामेन को जो है वो इंटीरियर वर्टिब्रल फोरामेन और पोस्टीरियर वर्टिब्रल फोरामेन में डिवाइड कर देता है। इंटीरियरली ये बॉडी होती है, पोस्टीरियरली जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जा रही होती है। ये जो होती है ये वर्टिब्रल बॉडी होती है। ये वाला C2 भी हो गया, C3 से लेकर C6 तक इस तरह की शेप होती है, ये बॉडी है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं, ट्रांसवर्स मतलब ट्रांसवर्स फोरामिनास हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस में, और ये जो है वो सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स हैं, जो कि अंदर की तरफ है, और पोस्टीरियर नीचे वाले इन्फीरियर, ये सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स हैं, और ये इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स हैं जो कि अंदर की तरफ है। और ये जो हमारे पास स्पाइन है ये बायफिड, यानी दो में डिवाइड हुई हुई है स्पाइन। C1 में जो है वो नहीं होती स्पाइन, जबकि C2 में जो है वो स्पाइन होती है और बायफिड होती है। C3 से लेकर 6 तक उसमें भी स्पाइन होती है और बायफिड होती है। उसके बाद जो ये C7 है, इसमें जो स्पाइन होती है ये बायफिड नहीं होती, सिंगल और लॉन्ग होती है। ये इसकी बॉडी है, ये हमारे पास सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स हैं, ये ट्रांसवर्स फोरामिनास हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस में, और यहाँ नीचे जो है वो इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स होते हैं। तो ये सारे जो हमारे पास जो है वो C1, C2, C3 से 6 तक, और ये 7 जो है वो सारे सर्वाइकल वर्टिब्राज हैं।